श्री अग्रवाल महासभा अलवर के तत्वाधान में नव निर्मित भव्य श्रीमती बर्फी देवी पुरुषोत्तम दास श्री अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय का उद्घाटन 24 फरवरी को मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गर्ग राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। समिति के मंत्री रमेश अग्रवाल ने बताया कि यह जमीन श्रीमती बद्री देवी के द्वारा समाज को डोनेट की गई, जिसमें पूर्व में भी अस्पताल चल रहा था। बद्री देवी की मूल भावना को ध्यान में रखकर समाज हित में 9 जुलाई 2022 को इस जमीन का भूमि पूजन कर करीब 7 महीने की कड़ी मेहनत कर यह भवन तैयार किया गया है, जिसमें करीब 70 तथा कुछ विशिष्ट सदस्यों जिनके द्वारा 1,51,000 का चंदा डोनेट किया गया। भवन में अब तक करीब 70 लाख रुपए लागत लग चुकी है। 24 फरवरी उद्घाटन के दिन से फिजियोथेरेपी की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद अग्रवाल समाज सहित अन्य समाज के डॉक्टरों द्वारा यहाँ सेवाएं देंगे, साथ ही अन्य डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जाएगी। श्री बर्फी देवी पुरुषोत्तम दास श्री अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय के नाम से श्री अग्रवाल महासभा के तत्वाधान में 24 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन रहेगा, जिसमें श्री सुभाष गर्ग साहब राज्य मंत्री इसमें विशिष्ट अतिथि हैं, श्री बनवारीलाल सिंघल पूर्व विधायक साहब और श्री विजेंद्र गर्ग साहब इसमें मुख्य अतिथि हैं। और फर्स्ट फेज में हम लोग इसमें फिजियोथेरेपी शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर समाज के भी रहेंगे, ऑन कॉल भी रहेंगे, और एक बार तो निशुल्क ये शुरू किया जाएगा। और इसके बाद जो एज एन मेंटेनेंस जो चार्जेस रखेंगे, मतलब एज एन मेंटेनेंस जो हमारे को नफे के हिसाब से मेंटेनेंस के हिसाब से इसमें कार्य हो पाए 50-60-70 रुपए के करीब जो भी चार्जेस रहेंगे। और फिर धीरे धीरे चिकित्सा भी बढ़ाएंगे इसमें, जैसे बीडीएस की सुविधा रहेगी, दंत रोग विशेषज्ञ बैठेंगे और समाज के कुछ प्रमुख डॉक्टर्स भी इसमें अल्टरनेट डेज में या वीकली या मंथली अपना समय देंगे, वो भी निःशुल्क सुविधाएं रहेंगी। सर्व समाज के लिए, जनहित के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है।